नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज महिला दिवस है और दिल्ली की तमाम जो सीमाएं हैं जहां पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है, आंदोलन कर रहे हैं, वहां आज महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। वो महिला दिवस को सेलिब्रेट भी कर रही हैं और इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी को साबित भी कर रही हैं। हमारे साथ इस आंदोलन को लगातार कवर कर रही कुछ महिला पत्रकार हैं, तो आइए उनसे बात करेंगे कि वो इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं। राजलक्ष्मी जी, आप लगातार इस आंदोलन पर नज़र रखी हुई है, जी, क्या लगता है इस आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी किस तरह से है, कितनी महत्वपूर्ण है, इस आंदोलन पर उनकी क्या छाप पड़ रही है? देखिए, हिस्सेदारी तो बहुत बड़ी है इस आंदोलन में, महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत बड़े तादाद में है। ये अलग बात है कि उसको इतना महत्व जो है नहीं दिया जाता है, चाहे वो खेती मजदूर हो, चाहे वो किसानी खुद करते हो, या किसानी से संबंधित कार्य जो होता है उसमें उनकी जो शामिलता है वो सब अंडर वैल्यू किया जाता है। और उसका तो कोई हमारे देश के स्टैटिस्टिक्स में जो गिनती में उनकी हिस्सेदारी की मान्यता नहीं होती है। लेकिन इस आंदोलन में जो किसानों जो नेता है और जिन्होंने जो नेतृत्व दिया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने इस बात पर जो है ध्यान दिया है कि महिलाओं की भागीदारी को जो है दिखाना चाहिए। और वो खुद आई हैं, बहुत सारे अपने परिवार के साथ आई हैं और ये हो सकता है कि परिवार के साथ ही आई हैं, लेकिन जब से शुरू हुआ ये आंदोलन तब से वो यहीं पर जो है बनी रही हैं। जैसे टिकरी और सिंगू में अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े तादाद में महिलाएँ हैं, यहाँ भी शाहजहानपुर में भी महिलाएं आई हैं, आदिवासी महिलाएं महाराष्ट्र से आई, ट्रेन पकड़ के आई, इतनी दूर से आई, उनमें से एक की मौत भी हो गई ठंड की वजह से। तो ये बात है कि उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान दिया रहा है और बहुत बड़ी बड़ी जो है कुर्बानी भी दी है महिलाओं ने इस आंदोलन में शामिल होके। तो ये बात साबित कर रहा है, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इसीलिए हमने सोचा कि हम यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार से है और हम भी उसके सपोर्ट में साथ देने आए हैं। जी अरुणा जी, आम तौर पर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी होती भी है तो प्रतीकात्मक तौर पर होती है कि महिलाएं भी हैं, कभी मंच भी दे दिया, लेकिन लीडरशिप में इस पूरे आंदोलन को चलाने में उनकी किससे कितनी हिस्सेदारी दिख रही है, क्या वो इतनी महत्वपूर्ण है जिसे हम कह सकें ये परिवर्तनकारी है? आपने सही कहा, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जितना भी आंदोलन है, आंदोलन के पीछे जो आधार, जिसे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है, वो महिलाएं हैं। आप उसका किचन से लंगर से शुरू कीजिए, पहले दिन ही जब लंगर लगा तो वहाँ पहले महिलाएं पहले दिन से ही, और यहाँ पे नहीं, हर आप बॉर्डर पे जाएं, गाजीपुर जाएं या टिकरी बॉर्डर पे जाएं या शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जाएं, वहाँ आपको दिखेगा कि लंगर लग रहा है, पीछे महिलाएं काम कर रही हैं, साफ़ सफाई के लिए काम कर रही हैं। और अब मैं देख रही हूँ, मैंने आज खासतौर पर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है चारों बॉर्डर पर जिस तरह से, और इस रूप आज देख रही हूँ, आज पूरा मंच का संचालन सारा महिलाएं कर रही हैं, अपना सब टाइम दे रही हैं, पूरी प्लानिंग कर रही हैं, उनकी पूरी रणनीति हो रही है। जैसा कि आपने अभी पूछा कि किसान आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है, महिलाएं देखिए किसान आंदोलन में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आप टिकरी बॉर्डर में जाइए, उस पर हजारों की संख्या में है, सिंधु बॉर्डर पर जाइए, वहाँ हजारों की संख्या में है, शाहजहाँपुर में बहुत कम थी महिलाएं, लेकिन अभी कल ही बहुत बड़ा एक वहाँ जनवादी महिला समिति ने एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा, हजारों की संख्या में वहाँ महिलाएं थी। आज भी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में आप देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं की प्रतिभागी एकदम दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, महिलाएं चूल्हा चौका भी कर रही हैं, यहाँ साफ सफाई भी कर रही हैं, सारी देखभाल भी कर रही हैं। अब सवाल प्रबंधन पे आता है, महिलाओं के क्या कहते हैं मैनेजमेंट पे आता है किसान मोर्चा के। हाँ, उसमें हैं एक दो महिलाएं जो प्रवक्ता संयुक्त किसान मोर्चा है, जो उसमें महिलाओं की कम भागीदारी मुझे तो दिखी है, ये सही बात है। जैसे महिलाओं का कोई आज कायदे से किसान मोर्चा को महिला प्रवक्ता से कुछ करवाना चाहिए था, कोई महिलाएं प्रवक्ता होती किसान मोर्चा में, हैं पंजाब से हैं मेरे ख्याल में, चार या पाँच महिलाएँ हैं जो वहाँ पर किसान मोर्चा में हैं, लेकिन एक जो मैनेजमेंट लेवल पे लीडरशिप पे, हाँ
नहीं नहीं पंजाब में है लीडरशिप, पंजाब में कई जैसे फगवाड़ा है और आप जगाधरी से आगे चार छः जगह हैं ऐसी, पटियाला से भी आगे जहाँ महिलाएं वहाँ की अध्यक्ष है किसान यूनियन की, वो बकायदा वहाँ जो 40 किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी चार महिलाएं मेंबर है, हमेशा मीटिंग में आती है, मेरी भी मुलाकात हुई है। लेकिन आप जिस तरह कहें कि 50% महिलाएं हैं और 50% महिलाओं का उतना बड़ा एकदम दिख नहीं रहा, वो ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन महिलाएं थोड़ा सा सब्र से काम लेती हैं, बिहाइंड द सीन काम करती हैं, धीरे धीरे धीरे, देखिए किसान सारा कुछ नहीं होता है। और लेकिन आज बहुत बड़ा ये चेंज है, एक अगर किसान, ये मैं आपको बताऊं कि इस देश के इतिहास में ही कह सकते हैं कि इस तरह किसान महिलाएं जो किसान श्रमिक हैं या किसान जो मोर्चा बने हुए हैं उसमें महिलाएं बोल रही हैं, उसमें महिलाएं सामने आई हैं, और किसानों की ओर से इस तरह महिला दिवस पहली बारी मुझे तो लगता है कि कोई मनाया जा रहा है। और एक खास बात मुझे ये समझनी है कि आम तौर पर किसानों को पारंपरिक माना जाता है और महिलाएं वो एक दायरे में रहती हैं, तो पहली बार किसान इस चीज़ के लिए तैयार हुए कि वो महिलाएं अपने घर से ही नहीं अपने शहर से निकलें और इतनी बड़ी मर्दों के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, ये कितना परिवर्तनकारी चीज़। नहीं बिल्कुल मुकेश जी सही बात है, क्योंकि इस बार पहली बार इस आंदोलन में ये चीज़ हमें देखने को मिला है कि किसान के जो नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने ये खुलकर आह्वान दिया है कि सभी वर्गों को, क्योंकि ये कानून जो है इफेक्ट करेंगे इसीलिए इसमें जो है सभी वर्गों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, चाहे महिलाएं हो चाहे दलित हो चाहे कोई भी कास्ट हो कोई भी वर्ग हो कोई भी समुदाय हो, सबकी भागीदारी इसमें आवश्यक है। और जब ये आह्वान हुआ है इसके बेसिस पे बहुत लोग इसमें शामिल हुए हैं और अभी भी ये आह्वान जो है दिया जा रहा है कि ये सिर्फ ज़मींदार वर्ग का आंदोलन नहीं है ये, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा तादाद में तो छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं, और इसीलिए इसमें जो और उसमें किसानी में महिलाओं का जो रोल है वो पहली बार मुझे लगता है खुल के सामने आया है। महिलाओं जो 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 किसानी में है उनके लिए एक अलग से कानून बने, उसकी एक ड्राफ्ट जो है NCW के पास है पर उस पर अमल नहीं किया गया अभी तक। तो ये इस सरकार जो बहुत बड़ी बातें भी करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह और महिलाओं के लिए वगैरह वगैरह करते हैं, तो उनको ये तो सही वक्त है कि वो ड्राफ्ट को वो ठंडे बस्ते से बाहर निकालें और उस पर अमल करें, जो महिलाएं जो किसानी में काम करती हैं उनके लिए सही वेज मिले वगैरह। थोड़ा ये बताइए कि जब महिलाएं इस आंदोलन में आईं तो ये कहा गया कि ये किसान की महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को ये लगा होगा कि अगर महिलाएं आगे आ जाएंगी तो वो जो कार्रवाई करना चाहती हैं दमन की वो करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शाहीन बाग में भी यही हुआ। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर है या सचमुच में किसानों को लग रहा है कि नहीं अब किसानों को आगे महिलाओं को आगे लाना चाहिए? जब किसानों को देखिए ये छोटी सी बात है, आपको एक छोटी से एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपकी ज़मीन किसान की ज़मीन उस ज़मीन से पूरे परिवार का पेट भरता है, पुश्तें चलती हैं आगे परिवार है। अगर ये किसान आंदोलन ये किसान जो बिल है इससे पूरा परिवार ही प्रभावित हो रहा है ना। मैं अभी थोड़े दिन पहले यहाँ आई थी तो यहाँ किसान एक नेता युद्धवीर सिंह और उनकी बूढ़ी 80 साल की माँ यहाँ मुझे मिली थी, सोचिए उनकी पोती मिली थी मुझे यहाँ पे। उसके बाद राकेश टिकैत जी की वाइफ आई, उनकी भाभी आई हुई, नरेश टिकैत की भी, मतलब एक महिला जो 82 साल की यहाँ आई हुई थी क्यों आई बताओ? जमीन का मामला है, किसानों का मुद्दा है, किसान का मुद्दा, ये सिर्फ एक किसान मेल का नहीं है, ये पूरे परिवार का मुद्दा है। ये अगर सरकार को ये लगता है कि किसानों को या इस किसान आंदोलन में महिलाओं का इस्तेमाल किया गया, अरे महिला तो ऑलरेडी उससे प्रभावित होएंगी ना, जब आप किसानी नहीं रहेगी खेती नहीं रहेगी, आपको पता ही है देश के सरकारी आंकड़े बताते हैं या कि कृषि का आधार ही महिलाएं हैं सारी, अगर बुआई कटाई चटाई सारा महिला करेंगी, महिला मजदूर इससे प्रभावित होंगी, तो महिलाओं तो किसान आंदोलन से पहले दिन से ही जुड़ी हुई है, जिस दिन बिल बना है तो उसी दिन से जुड़ी हुई है। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ राजलक्ष्मी जी आपसे,
और सवाल ये है कि हमने शाहीन बाग में देखा कि महिलाएं खुलकर आईं और बल्कि महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, और महिलाओं के मोर्चा संभालने से एक तो जितना पारंपरिक हम किसानों को कह रहे हैं, जो मुस्लिम समाज है उसमें भी वही पारंपरिकता है, महिलाओं पर उतनी ही तरह की पाबंदियाँ, इसके बावजूद वो निकल कर आईं, तो एक तो वो है, दूसरा ये कि जब महिलाएं आ गईं तो सरकार के लिए डील करना मुश्किल हो गया। तो ये किसी भी आंदोलन के लिए अब एक स्ट्रेटजी के तौर पर भी आ गया है, और इसने महिलाओं को भी एक मौका दे दिया है कि चलो इसी बहाने सही हम भी शामिल हो। मुकेश जी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सुनियोजित स्ट्रैटेजी की तरह से ये हुआ है। ये ऐसा है कि जो उनको उनकी जो किसानी में जो महत्व है उसको इम्पोर्टेंस देते हुए, कि उसको एक रिकग्निशन देते हुए, उसके अहमियत को जानते हुए, ये जब किसान की जो है लीडरशिप ने फैसला किया। और दूसरी चीज़ है कि कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उग्राहा है, बीके उग्राहा, उनकी अलग से महिला विंग है, उनकी महिला विंग है, और उसकी उनकी जो नेता है वो नीचे से उभर के आई है, स्टूडेंट लीडर थी, उसके बाद उन्होंने वर्कर मूवमेंट ज्वाइन किया, उसके बाद किसान मूवमेंट ज्वाइन किया, उनका नाम हरिंदर बिंदु है। तो ऐसा है कि आप वो बहुत ही सक्षम जो तरीके से नौदीप कौर को देखिए, तो हर फील्ड में जो ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं का जो है नेतृत्व इन सारे मोर्चों में नहीं है, लेकिन हमारी मीडिया ऐसी है जो उस चीज़ को महत्व जो है नहीं देती है। लेकिन इन आंदोलन में, चाहे सीए का हो, एंटी सीए, और या जो किसान आंदोलन हो, उसमें जो महिलाएं खुद भी बाहर आई हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग मोर्चों में काम किया है, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक तजुर्बा इकट्ठा किया, और उस तजुर्बे के बेसिस पे आ जाइए, नहीं तो अगर वो बिल्कुल नौ सीखे होती तो इतने दिन तक, 3 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को साथ नहीं दे पाती वो। तो ये बात है, कुल मिला के ये बहुत अच्छी बात है। चाहे इस देश में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए का कानून पारित हो ना हो, लेकिन महिलाएं जो है, आम महिलाएं, बिल्कुल गरीब तबके की महिलाएं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जो मध्यम वर्ग के जो महिलाएं, उनको भी कुछ सीख के आना चाहिए बाहर और साथ देना चाहिए। मेरे ये बड़ा बदलाव है, लेकिन बदलाव कितना स्थायी है? क्या किसान आंदोलन खत्म होते ही, चाहे इस तरफ खत्म हो चाहे उस तरफ, क्या महिलाओं की भूमिका भी खत्म हो जाएगी, या आने वाले समय में, आने वाले आंदोलनों में और दूसरी चीज़ों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी होगी? आखिरी सवाल है। मुझे लगता है कि अब सत्ता, सरकार, किसान आंदोलन, आर्मी, सब महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। महिलाएं बहुत अच्छी प्रबंधक, बहुत अच्छी नेता, क्योंकि एक इंसानियत उनमें बहुत बड़ी होती है, और वो एक अच्छी मैनेजमेंट, और उनको आप मौका तो दीजिए, एक बारी फिर बनाइए इस देश की प्रधानमंत्री किसी महिला को। मैं तो चाहती हूँ एक किसान को बनाइए, ताकि 80% जनता को उनको न्याय मिल सके जो इस समय है। मेरा तो यही आपको मैसेज है। आखिर जी, मुकेश, मैं हम सब की तरफ से बोलना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो करीब 100 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी, या जो इसका फैसला हुआ था कि मार्च 8 को हम करेंगे, तो उसमें कौन थी वो महिलाएं? वो तो मजदूर वर्ग की महिलाएं थी, और उनका स्लोगन क्या था? रोटी और शांति, ब्रेड एंड पीस। तो वही चीज़ जो है आज हमें देखने को मिल रहा है, कह रहे हमें शांति चाहिए, हमें लड़ाई की जो राजनीति है, फिरका परस्ती की राजनीति नहीं चाहिए, आप सबको रोटी मुहैया करो, हम इतना अनाज हम पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश में लोग भूखे मरते हैं। तो ये सवाल है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस किसान आंदोलन के बीच आज ये महिला दिवस जो है बहुत खास है। खास इसलिए है कि पहली बार महिलाओं को आंदोलन में इस तरह की हिस्सेदारी मिल रही है, महिलाओं को अपना महत्व समझ में आ रहा है, और पुरुषों को भी महिलाओं का महत्व समझ में आ रहा है, इसलिए वो उन्हें घर से निकालकर इस आंदोलन के मंच तक ले आए हैं, वो मंच का संचालन कर रही हैं, और बहुत सारे काम आंदोलन के उनकी मुट्ठी में हैं, उनके हाथों में हैं, और बड़े अच्छे से वो उसको संचालित कर रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।